हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो चैप्टर है 7 जीवों की विभिन्नता। तो इस चैप्टर में मैं आपको संघों के बारे में बता रहा हूँ, और पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना कर रखी हैं संघों के, जैसे नेमेटोडा, प्लेटेहेमथिज, एनलिडा, तो ये सब की मैंने वीडियो बना रखी है। और ये जो वीडियो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग वीडियो को वॉच कर लें। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के लक्षण। तो लक्षण जानते हैं। पहला जो लक्षण है ये कैसे हैं, द्विपार्श्व कैसे होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वो वाली वीडियो भी वॉच कर लें जो मैंने पहले बनाई है। तो ये कैसे जीव होते हैं, द्विपार्श्व होते हैं। किन्हीं जीवों को हम दो भागों में विभाजित कर दें वो बराबर हों, जैसे कि अगर हम ये जो केकड़े का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये केकड़ा लिखा हुआ है, और ये जो केकड़े का डायग्राम है इस प्रकार से, अगर मैं यहाँ से इसको विभाजित हो जाता है, ये केकड़ा कट जाता है यहाँ से, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लेग इसकी इस साइड हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच लेग इसकी इस साइड है, तो ये बराबर बराबर भागों में कट गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, द्विपार्श्व इसी को बोलते हैं। हमारा एक ये हो गया कि ये जीव द्विपार्श्ववादी पूर्वकी होते हैं। अब दूसरा लक्षण बताता हूँ मैं आपको, डायग्राम में देखिए, पहले आप डायग्राम में देखिए, हमें दिख रहा है कि इनके शरीर पर देखिए कुछ इस प्रकार से खंड दिख रहे हैं हमें ये। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे कि ये मक्खी है, यहाँ पर देख सकते हो ये मक्खी है, तो इसके शरीर पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से खंड पाए गए हैं, लेगों में पाए जाते हैं या पैरों में पाए गए हैं खंड से। तो ये हम एक लक्षण लिख देंगे कि ये जीवों में खंड पाए जाते हैं, जैसे कि केकड़ा है तो केकड़े के लेगों पर देखिए पैरों पर पाए गए हैं खंड इस प्रकार से। तो ये आसान सा लक्षण हो गया। दूसरा, इनके शरीर पर खंड पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं तीसरा लक्षण, इनका जो शरीर देख रहे हो आप लोग इतना बड़े साइज का भी है, और इनका जो शरीर है किससे बना है, जैसे कि अपना शरीर है वो कोशिकाओं से बनकर बना है, तो ये जो जीव है इनका शरीर किससे बना है, तो आइए लिखते हैं हम, इनका शरीर बना है काइटिन से। किससे बना है, काइटिन से। तो ये हम हो जाएगा हमारा तीसरा लक्षण, छोटे छोटे बता रहा हूँ मैं आपको जो आप अच्छे से याद कर लें। तो तीसरा लक्षण हो गया है, इनका शरीर काइटिन का बना होता है। किस प्रकार से लिखना है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ। अब जानते हैं चौथा लक्षण, श्वसन होता है गिल्स द्वारा। आपको एक शब्द लिखना है गिल्स, और जो हमारा श्वसन होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है, और इनमें जो श्वसन होता है गिल्स द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार लिख लेना। अब जानते हैं फाइव वाला कि जो केकड़ा का आप लोग देख सकते हो, केकड़े का आप लोग शरीर देख सकते हो कितना बड़ा है, और कुछ छोटे भी हैं जैसे कि मक्खी, तितली, बिच्छू तो क्या थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जीव हैं, तो इनकी अपेक्षा में जो संग है पढ़ते हैं जितने भी इकानोडोमेटा, एनिडिडा, इनके जो धारण में जो जीव आते हैं उनकी अपेक्षा में ये सबसे बड़ा जीव होता है। ये जो संघ है, ये आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सभी संघों से बड़ा होता है, यानी जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जीव है। तो ये हमारा 5 वाला लक्षण हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा होता है। तो ये मैंने इस प्रकार से लिखा है, आप लोग इसी प्रकार से लिख लें। और चौथा मैंने आपको बताया, इनमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। तीसरा है, इनका शरीर काइटिन का बना होता है। एक और बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप एक थोड़ा भूल भी जाओ तो आपको एक और याद है, तो एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं आपको, एक ये है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और जो एनिनीडा में है इनमें कैसा होता है, खुला, एनिनीडा में होता है बंद, बस यही फ़र्क होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा के जीव हैं, इनके मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं क्या क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड चैनल पर तो
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।